भाई साहब, ये रोड देखो यार। दोस्तों भाई, दिखाई दे रहा है गोप्रो में घर जो है, इतू इतू सा दिख रहा है यार। ये देखो, दिख रहा है शायद कैमरे में, दिख रहा है भाई। इसको देख के मैं जो पैर रखा ना, मेरी इतनी फटी भाई, क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गया। एक सेकंड में तो मैं डर सा गया। और मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सारे भाई लोग एकदम होंगे बढ़िया। तो दोस्तों, आज की जो राइड है वो होने वाली है चेन्नई टू येलगिरी। भाई बहुत ही शानदार राइड होने वाली है। येलगिरी का मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है इस टाइम पर। तो अभी का जो टाइम है दोस्तों, वो है 4:30 बज रहे हैं और रात भर नींद नहीं आई इसी असाइनमेंट में चलने के लिए। तो अभी अपना सामान जो है वो आधा हो चुका है पैक, और आधा भाई पैक करना है। एक्चुअली हमको 4 बजे निकलना था यार, लेकिन 4 बजे से चलते चलते सब पैक करते करते अभी 4:30 बज गया है, और आधा घंटा लगेगा सब पैक करने में। तो फटाफट निकलते हैं और पहले अपनी बाइक में भरवाएंगे पेट्रोल। और मेन रीज़न दोस्तों आज ये हुआ जाने का कि आज अपनी बाइक की जो है फ़र्स्ट सर्विस वो कंप्लीट हो गई, तो उसी के लिए मैं वेट कर रहा था कि फ़र्स्ट सर्विस हो जाए भाई, तब कहीं लॉन्ग राइड पे थोड़ा लेके निकलते हैं। तो फाइनली अपनी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि 750 किलोमीटर पे अपनी होंडा हार्नेट की फ़र्स्ट सर्विस हुई थी। तो आज जो है वो करवा के मैं ले आया हूँ। तो अभी क्या है, एक राइड, लॉन्ग राइड थोड़ा करके देखेंगे। और बाइक बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है येलगिरी का, तो फटाफट बिना किसी देरी के दोस्तों निकलते हैं और आपको ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उधर का नज़ारा कैसा है, उधर भाई चल के ही पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के आइए निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये रहे अपने जय भैया, और तो इनको थोड़ा करते हैं हीट, एक मिनट चलने देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो भाई आज रात भी थोड़ा ज़्यादा है, अभी पता नहीं गोप्रो में कैसा दिखाई दे रहा होगा। तो पहले पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद में निकलते हैं आगे। फुल ठोक देगा क्या सर? तो लो दोस्तों, हो गया है अपना पेट्रोल फुल। एक्चुअली फुल नहीं हुआ है अभी, और 2-3 लीटर आएगा यार इसमें, लेकिन मैंने फुल नहीं करवाया क्योंकि दिन में जो है गर्मी थोड़ा बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ भाई अपनी राइड चालू करते हैं। जय श्री राम। आज कम से कम एक हफ्ते से अपनी बाइक पे, इस नई वाली बाइक पे पहली राइड करने का, तो भाई उसका जो अभी खुशी है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। भाई इतना खुशी है अंदर से कि येलगिरी भाई 240 किलोमीटर यहाँ से है। तो लो भैया, अपन फंस गए माधावरम के जाम में। भाई माधावरम में इतनी रात को जाम कौन लगाता है बे? दोस्तों कितना सही रोड लग रहा है ये देखने में। और भाई ये अम्बातूर हाईवे है, और ये बहुत ही लंबा ब्रिज जो है, ये आगे सामने बहुत ही लंबा ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। लगभग ये जो ब्रिज है तो वो 1.5 किलोमीटर तक लगभग बना हुआ है। तो लो जी दोस्तों, इसी के साथ हम पहुँच गए पूनामली हाईवे। तो भाई हम पूनामली हाईवे ब्रिज अभी क्रॉस कर रहे हैं, और जो हल्का हल्का सुबह का व्यू है वो दिखना चालू हो गया है। तो यार रुक के कहीं पे पियेंगे एक चाय, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, है ना? चाय पीना ज़रूरी है यार सुबह सुबह, और नींद भी बहुत आ रही है, रात में सोया नहीं, तो उसके लिए चाय तो भाई ज़रूरी ही है। तो लो भाई फाइनली हो गया है सनराइज़। तो दोस्तों फाइनली सनराइज़ जो है वो हो चुका है, और काफ़ी ही खूबसूरत मौसम है आज का भाई। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है करेक्ट 5:35, और इसी के साथ हमने 35 किलोमीटर अभी पूरे होते हुए तो अभी क्या ही चलाए हैं, लेकिन जो खींच के लेके आ रहे हैं ना गाड़ी भाई,
और जो अपने जय भैया चल रहे हैं, काबिले तारीफ है भाई, काबिले तारीफ है। तो लो जी भैया, अपनी चाय हो गई है और चाय पीने के बाद भाई सुबह सुबह अलग ही आनंद है चाय पीने का। और चाय पीने के बाद भाई जो ताजगी आती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। राइट साइड में देख रहे हो क्या नारियल के पेड़ हैं भाई, कितने सारे, इतना बड़ा जंगल जैसा लग रहा है, बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। एक्चुअली चेन्नई की खूबसूरती जो है दोस्तों यही है, इसी से चेन्नई खूबसूरत जाना जाता है। नारियल का पेड़, केले का पेड़, बस इसी सब का खेती होता है। और भाई वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में माता जी का, नदी के बगल में, जस्ट बगल में, इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं कांचीपुरम। तो दोस्तों ये कांचीपुरम है, हम इंटर कर रहे हैं कांचीपुरम में। तो राइट साइड में भाई L&T का कंपनी है कांचीपुरम। तो दोस्तों एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, एक्चुअली मैं रुका था यहाँ पे एक अपने पर्सनल काम के लिए भाई, अर्जेंट कॉल आ गया था। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे भाई गाड़ी खड़ी किया ना, तो ये देखो दिख रहा है शायद कैमरे में दिख रहा है भाई, इसको देख के मैं जो पैर रखा ना मेरी इतनी फटी भाई, क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गया। एक सेकेंड में तो मैं डर सा गया, और ये सांप है, मरा पड़ा है भाई, तो इसको देख के मेरी हालत ख़राब हो गई भाई अचानक में। तो भाई तिरुपति यहाँ से 102 किलोमीटर, विनयाबादी 130, और चित्तूर जो है 138 किलोमीटर दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ की जो खूबसूरती है वो भाई इतना अच्छा झलक रही है, राइट साइड में हमारी इतना खूबसूरत मौसम है और इतना ही प्यारा व्यू है। अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो भाई साहब क्या ही नज़ारा है भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। खेती हुई पड़ी है, पूरा नारियल के पेड़ हैं और सूरज उग रहा है देखने में, जो कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनता है। तो यार ना रोड ऐसा चल रहा है ये कि कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ जगह पे फिर बेकार है, सर्विस रोड आ जा रहा है, कुछ जगह फिर बाईपास, फिर कुछ जगह सर्विस रोड, ऐसे ही चल रहा है भाई, बेड़ा पार है इस रोड का। तो कुछ कुछ जगहों पे बहुत खूबसूरत रोड है जो बना है, ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर पे पूरा। ये है कि ये आने वाले 6 महीने में ये रोड बनके कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार आया था तो भाई इसका हालत और भी ज़्यादा ख़राब था ये रोड का, इसीलिए शायद टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था पिछली बार। अपने को ना यार ये मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, ये मुझे टाइट करवाना है थोड़ा, मैंने इसको लगाया था लेकिन इसका स्पैनर नहीं था मेरे पास, तो ये ढीला है, तो फ्रंट का जो हमारा लुक है वो नहीं आ पा रहा है। सिंगल कैमरा ही है भाई, उसी से लेने के लिए सोच रहा हूँ लेकिन इसको बार बार भूल जा रहा हूँ। मैं दुकान देख रहा हूँ लेकिन याद ही नहीं आ रहा है, तो इसको कहीं पहले रुक के हम थोड़ा टाइट करवाते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रानीपेट में। तो भाई अभी हम रानीपेट पहुँचे हैं और यहाँ से वेल्लूर जो है वो 25 किलोमीटर है, और कृष्णागिरी पहले आपको बताया जो 143 किलोमीटर है। तो हमको सीधा कृष्णागिरी वाले रोड पे, वेल्लूर वाले रोड पे चलना है। ये है भाई रानीपेट अरुण्स कैफ़े, बन रहा है क्या कुछ है, मिलेगा देखते हैं। तो यहीं पे रुकते हैं यार थोड़ी देर। दोस्तों सीन ऐसा हो चुका है भाई
एकदम हालत जो है वो नीट एकदम आँखों में झलक रही है। तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि भाई नीट अब धीरे धीरे गाड़ी भी थोड़ा हीट हो चुकी है। तो एक भाई अपना चाय जो है वो आ चुका है, एक चाय पीते हैं और यहाँ से चाय पी के निकलते हैं भाई। थोड़ी देर आराम करेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों नज़ारे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई? नज़ारे देखते रहना भाई, क्या खूबसूरत, क्या ही खूबसूरत भाई रोड है। जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। एक्चुअली ये दोस्तों चेन्नई टू बेंगलोर हाईवे है और इतना ही मस्त नज़ारा है इस रोड का भाई। सी परम्बतूर से थोड़ा कम था उसके पहले, सी परम्बतूर के बाद में जब हम चेन्नई से थोड़ा आउटर में निकले उसके बाद में तो भाई इस रोड का हाल ही मत पूछो। इतना खूबसूरत है भाई, इतना मक्खन रोड है। तो दोस्तों सामने है एक दुकान पंचर का, तो देखते हैं यार यहाँ पे स्पैनर मिल जाए तो काम बन जाए अपना। यार मिल जाएगा यार तो काम बन जाएगा अपना। इसको ना थोड़ा टाइट कर लेंगे यार तो आगे का जो है अपना पोजीशन आ जाएगा। पूछते हैं मिलेगा कि नहीं, तमिल में ही बात करना पड़ेगा। அண்ணா ஒரு ஸ்பேனர் மட்டும் கொஞ்சம் கொடுத்துங்களா, இந்த சைஸ். இது 7-8 வரும்னு நினைக்கிறேன். தமாரா பாய் தமிழ் மேம் மாஹிர் ஹே பாய். கொடுத்துருங்க நான் பண்ணுங்கள். तो हाँ जी दोस्तों, नज़ारों का मज़ा मिल रहा है कि नहीं भाई? नज़ारों का मज़ा मिलता रहना चाहिए, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। नज़ारे आप देखते रहिए, नज़ारे के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो भाई सच में ये रोड जो है वो इतना ब्यूटीफुल रोड है कि भाई मज़ा ही आ गया इस रोड पे गाड़ी चलाने में। और अभी जो हमारा डेस्टिनेशन है दोस्तों वो अभी बचा है 60 किलोमीटर। तो लो भैया, खुशी खुशी में हमको जाना था लेफ्ट साइड, हम सीधा रेल दिए। अभी थोड़ी दूर वन वे में चलना पड़ेगा। एक्चुअली वहाँ से पता नहीं चला, यहीं से हमको लेना था लेफ्ट एलगिरी के लिए, लेकिन पता नहीं चला भाई। पिछली बार लोकेशन सेट करके आ जाता, इस बार तो वो भी नहीं था। अब उसी में फ्लो फ्लो में हम आ गए इधर। कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत ही सही। भाई जितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है ना, बहुत संभाल के कराना पड़ेगा, उधर दिख भी नहीं रहा है। चलो ईलगिरी तो आ गए। यहाँ यार एक फ़ोटो लेना था, कैसे करेंगे? गाड़ी भी बहुत है, कोई लेने वाला भी नहीं है। सोलो राइड में यार यही तकलीफ़ होती है ज़्यादा करके। चलो अच्छा ठीक है, आने के टाइम देखेंगे यार। तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा ना लेफ्ट साइड में जो पहाड़ चल रहा है, इसी के ऊपर हमको जाना है, इसी के ऊपर एलगिरी है।
एलगिरी एक्चुअली एक गांव है भाई पहाड़ के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत वहां से व्यू दिखता है। बस हम वही व्यू देखने के लिए ही आए हैं भाई इतना दूर, लेकिन क्या है कि घूम के आगे से जाना पड़ेगा भैया। नज़ारा नहीं रुकना चाहिए, ये है भैया एलगिरी, फोटो लेना था यार एक। कोई बंदा नहीं है, कोई और नहीं है, क्या करेंगे, फोटो कैसे लें यार, फोटो लेना तो ज़रूरी था, ज़रूरी बहुत ज़रूरी। भाई साहब ये रोड देखो यार दोस्तों, क्या ही ब्यूटीफुल रोड है यार, ओए होए होए होए, क्या ही खूबसूरत रोड है भाई, ब्यूटीफुल भाई। और एक बात और है, इधर से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना भाई, बहुत ठंडा हवा आ रहा है इधर से। भाइयों और बहनों हम पहुंच चुके हैं एलगिरी अपने डेस्टिनेशन पे। तो भाई ये सामने रहा एलगिरी का पहाड़, इतना खूबसूरत लग रहा है यार, मौसम इधर का इतना सुंदर है कि क्या ही बताएं भाई, इतना अच्छा मौसम है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है एकदम। तो दोस्तों यहाँ से एलगिरी जो है वो चढ़ाई 13 किलोमीटर की है भाई, और इसमें टोटल 7 हेयरपिन बैंड आएंगे, और यहाँ से अपनी चढ़ाई होती है स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे जो है इसका बोर्ड दिया हुआ है, जय हो गणेश भगवान की, जय गणेश भगवान। तो यहाँ पे इसका बोर्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ हेयर पिन बैंड 14 है, सॉरी मैं गलती कर रहा था, मुझे याद नहीं था दोस्तों। और ये सब साइन बोर्ड लगा हुआ जो भी आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ हेयर पिन बैंड जो है वो 14 है, और अल्टीट्यूड है इसका 1410। तो ठीक है बढ़ते हैं आगे, फॉरेस्ट का फुल फॉर्म दिया हुआ है भाई खूबसूरत तरीके से, ओए होए होए होए, जय श्री राम। ये आया भाई पहला हेयर पिन बैंड, इस पे ना पता नहीं चलेगा, एकदम वी मॉडल आएगा। ये देखो भाई किस तरह का हेयर पिन बैंड है, यहाँ पे ना गाड़ी की भी फटेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी जगहें दिखा सकें। तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमको एक खुशी मिलेगी। तो पिछली बार भाई जब एलगिरी आया था तो सेम मुझे लगता है यही मौसम था, और पिछली बार आया था भाई बस को देख के याद आया। पिछली बार आया था तो मैं एकदम बस के आगे ही चला गया था, मुझे नहीं पता था बस टर्न हो रहा था, अब मुझे नहीं पता था, मैं चला गया उसके आगे। अब वो उसने, खैर उसकी गलती, उसने साउंड भी हॉर्न भी मारा, लेकिन मुझे शायद नज़रअंदाज कर गया मैं, या मुझे वो सुनाई नहीं दिया बराबर। तो भाई यहाँ से ही नीचे का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखने लगा, अभी इतना ऊपर कैसे कैसे आ गए यार इतना ऊपर अभी। हाँ अभी तो दो ही हेयर पिन बैंड क्रॉस किए हैं। अरे आप जब एलगिरी में आएंगे तो यहाँ पे भाई रोड पे बहुत सारे बंदर आपको दिखेंगे, तो इस रोड पे थोड़ा स्लो करके चलाइए गाड़ी, क्योंकि ये खाने के चक्कर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं बेचारे, तो मरते भी बहुत हैं। मैंने बहुत बंदरों को मरा हुआ पिछली बार यहाँ पे आया तो देखा था। तो भाई इधर का नज़ारा जो है वो भाई काफ़ी मनमोहक है भाई, दिखाई दे रहा है गोप्रो में, घर जो है इतु इतु सा दिख रहा है यार, क्या ही खूबसूरत व्यू है भाई। यही है तो भाई एलगिरी, यही देखने के लिए आए थे, बहुत ही मस्त लग रहा है यार, ब्यूटीफुल।
तो यार पहले ऊपर पहुंचते हैं और कुछ करते हैं यार, नाश्ता खाना तो वैसे खाएंगे नहीं क्योंकि भाई खाने का मन भी नहीं है। अगर भूख लगेगी तो बाई चांस देखेंगे 2-3 बजे तक। तो पहले एक नाश्ता करना है कुछ और चाय लेंगे, उसके बाद में थोड़ा एलगिरी को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा एलगिरी घूमेंगे भाई, उसके बाद में घूम टहल के फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखो भाई एक्सल चढ़ नहीं रही है बेचारे अंकल पैदल उसको चालू करके लेके जा रहे हैं अरे ये साइकिलिंग वाले इधर पहुंच गए क्या यार? अच्छा मैं उधर रुक गया था ना। वाह भाई भाई यहाँ पे लिप्टस के पेड़ इतने हैं आप देख सकते हैं, और इधर का स्मेल जो है वो बहुत ही मतलब अजीब तरह से आ रहा, बहुत ही मतलब अजीब तरह नहीं बहुत अच्छा खुशबू, जैसे बोलते हैं ना वो जड़ी बूटियों वाला खुशबू, भाई इधर में सेम टू सेम वही खुशबू आ रही है जैसे जड़ी बूटियों का पूरा खुशबू आ रहा है। बस इसी के बाद ये आखिरी हेयर पिन बेंड था और हम फाइनल अब एलगिरी के ऊपर जो है वो पहुंच गए हैं। तो बस दोस्तों यही था एलगिरी, यहाँ पे आई लव एलगिरी का राइट साइड में भाई सिंबल लगा हुआ है। तो यस भाई एलगिरी सच में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और कहीं रुकते हैं यार होटल पे, पहले करते हैं कुछ नाश्ता। और यहाँ पे ना फ्रूट बहुत अजीब अजीब तरह के मतलब वो जंगलों वाले फ्रूट मिलते हैं, और भाई आके चेकिंग हो रही है तो देखते हैं रुकवाता है या नहीं रुकवाता। नहीं रुकवाएगा भाई, चलो अच्छी बात है वो समझ गया। तो भाई दोस्तों ये सामने है भाई बोट हाउस, इसके अंदर भाई नाव चलती है पानी में, उसके लिए भाई 300-400 रुपये टिकट है इसके अंदर जाने पे। तो अगर आपको, मुझे तो जाना नहीं है, अगर आपको बोट राइडिंग करनी है तो इसके अंदर जा सकते हैं। और उधर में कुछ चीज़ें हैं जो कि एलगिरी में है, पंछियों को खिलाने वाला जो मैं बोला था पहले ही कि पंछियों को वहाँ अपने हाथ से खाना खिला सकते हैं, दाना खिला सकते हैं, जो मन कहे वो खिला सकते हैं भाई। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं। तो ठीक है दोस्तों ये तो आपको पता ही चल गया, तो अब थोड़ा आगे चल के वहीं पे रुकते हैं और थोड़ा टाइम वहीं पे बिताते हैं। और एलगिरी में बस यही है, और यहाँ से अभी एक भाई से मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई भी घूमने लायक और वैसी चीज़ है, तो उन्होंने बताया एक वाटरफॉल्स है जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना है। तो देखते हैं अगर भाई मूड होगा तो, अभी 12 बज रहा है टाइम, मूड बनेगा तो हो सकता है जा सकते हैं। तो
अभी का जो व्लॉग है दोस्तों, ये वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कल के व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जल्दी और निकलेंगे भाई घर को। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।